हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स में सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, पहला रूल क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। क्या मतलब है इसका? अगर कोई नंबर है, सपोज 18 एक नंबर है, ये डिविजिबल है 9 से। 18 9 से डिविजिबल है ना। जब आप 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 टू 18 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 18 एक नंबर है, ये 9 से डिविजिबल है। तो ये जो 18 नंबर है, ये इस नंबर के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 9 का क्या क्या फैक्टर होता है? 9 का फैक्टर आप निकाल लीजिए, इसको 1 × 9 लिख सकते हैं और 3 × 3 भी लिख सकते हैं। तो 9 के क्या क्या फैक्टर्स आए? 1, 3 and 9। ठीक है, ये जो 18 नंबर है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये जो 18 नंबर है, ये 9 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। देखिए, अगर आप 18 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 × 18 = 18 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर आप 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 × 6 = 18 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। देन अगर आप 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 × 2 = 18 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो आपको समझ में आया क्या रूल है ये? अगर एक नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, सपोज वो नंबर 18 है, ये 9 से डिविजिबल है, तो जो ये नंबर है वो 9 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ओके, चलिए सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। इसका क्या मतलब है? पहले आप को प्राइम नंबर बताइए, कौन क्या नंबर होते हैं को प्राइम नंबर? ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या हो? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। तो ऐसे 2 नंबर्स आप पहले लिख लीजिए, वो नंबर्स है 3 and 4। 3 and 4 का कॉमन फैक्टर 1 है। कैसे? 3 का फैक्टर क्या क्या होता है? 3 का फैक्टर है 1, 3 और 4 का क्या क्या फैक्टर होता है? 4 का फैक्टर है 1, 2, 4। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ इसमें 1 है ना। इसका कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन 1 है। तो ये 3 and 4 जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने 2 को प्राइम नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं, 3 and 4। फिर उसके बाद अगर ये डिविजिबल बाय, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, चलिए अब एक ऐसा नंबर लिखते हैं जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो चलिए कोई ऐसा नंबर हम सोचते हैं कि 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। सपोज मैंने लिखा 12। क्या लिखा? 12। तो ये एक ऐसा नंबर है जो 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है। देखिए, 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 × 4 = 12 and 4 × 3 = 12। देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ये जो नंबर है, ये को प्राइम नंबर के जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे भी ये नंबर डिविजिबल होगा। देखिए, 3 and 4, 3 × 4 कर दीजिए, क्या आ गया? 12। इसका प्रोडक्ट 12 आया, तो जो ये नंबर है इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। देखिए, 12 से डिविजिबल होता है ना। अगर आप 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 12 × 1 = 12। समझ आया ये रूल क्या है? If a number is divisible by 2 co-prime numbers, then it is divisible by their product also. एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। सपोज मैंने 2 co-prime number लिए, 5 and 6, ये दोनों co-prime number है। अब एक ऐसा number लेते हैं जो इन दोनों से divisible हो, तो ऐसा कौन सा number है? 120 सपोज लिया। 120 इन दोनों से divisible है ना। तो ये जो 120 नंबर है, ये 2 को प्राइम नंबर दोनों से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो ये इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इनका प्रोडक्ट क्या है? 5 × 6, 6 × 5 = 30। तो इसका प्रोडक्ट आया 30। तो ये जो नंबर है, ये इससे भी डिविजिबल होगा, यही ये रूल है। तो 120 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 34 × 34 = 120 कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। तो आपको रूल समझ आया होगा। अब थर्ड रूल क्या है? इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। देखिए, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर,
पहले मैं कोई दो नंबर लिखती हूँ, सपोज मैंने लिखा 16 and 20, दो नंबर लिखा, ये दोनों नंबर सपोज मैं मान रही हूँ कि ये डिविजिबल बाय ये नंबर, इस नंबर को मैं 4 मान रही हूँ, क्या मान रही हूँ 4, ये टू गिवन नंबर्स है 16 और 20, ये डिविजिबल है 4 से, 16 और 20 डिविजिबल है 4 से। देखिए 16 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, उसके बाद 20 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, फिर जब आप इन दोनों नंबर का सम करोगे तब भी ये इस नंबर से डिविजिबल होगा। देख लीजिए 16 और 20 का सम करिए, 16 + 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, तो 36 क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल होगा, 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 जा 36 कैंसिल आउट हो गया ना। तो यही ये रूल है, अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इनके सम से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, समझ आया। अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, देखिए 16 भी 4 से डिविजिबल है, 20 भी 4 से डिविजिबल है, तो इस नंबर का जब आप सम निकालोगे तो इसका जो सम आएगा वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। इसका सम किया 36 आया, ये भी 4 से डिविजिबल था। अब इसको देखते हैं लास्ट रूल क्या है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, सपोज मैंने दो नंबर लिए, 35 लिया और 20 लिया, ये टू गिवन नंबर्स है, सपोज मैंने 35 और 20 मान लिया, ये मान लो डिविजिबल बाय अ नंबर, सपोज ये किससे डिविजिबल है, 5 से है ना ये डिविजिबल, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर बोल रहा है देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, फिर जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे इन दोनों नंबर का, चलिए इनका डिफरेंस निकालते हैं, 35 - 20 क्या आ जाएगा, 15, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। अब आप 15 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 3 15 कंप्लीटली डिवाइड हो गया कि नहीं, समझ आया होगा। अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, 35 भी और 20 भी 5 से डिविजिबल है, ये फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इसका डिफरेंस जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। इसके ऊपर वाला क्या रूल था, अगर कोई दो नंबर सपोज मैंने मान लिया 16 और 20, 16 भी ये किसी से डिविजिबल है, दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, जैसे 16 भी 4 से डिविजिबल है, 20 भी 4 से डिविजिबल है, सो इसका जो सम होगा 16 और 20 का सम जो आएगा दैट इज 36, ये भी इस नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके ऊपर वाला क्या था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर्स, अगर कोई नंबर है सपोज मैंने मान लिया 12 और टू कोप्राइम नंबर ले लिया 3 and 4, 3 and 4 कोप्राइम नंबर है, मैंने यहां पे बताया, अगर ये नंबर दोनों कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है, देखिए 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है ये इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इनका प्रोडक्ट निकालिए, 3 4 जा 12, तो ये जो 12 है ये 12 से डिविजिबल है। फर्स्ट वाला क्या था, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर सपोज मैंने 18 मान लिया, 18 अगर 9 से डिविजिबल है तो 18 जो है 9 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब आप किसी नंबर को, सपोज 24 एक नंबर है, जब आप इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दोगे तब हम बोलेंगे कि इस नंबर का फैक्टराइजेशन हो गया है। जैसे 24 को आप लिख सकते हो 2 into 12, तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया है। ये देखिए इसके फैक्टर्स है ना, इसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, तो 24 को 2 into 12 लिख सकते हैं, तो 24 जो है वो फैक्टराइज हो चुका है। उसी तरीके से 24 को और क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 into 3, ये भी हम बोलेंगे कि ये 12 जो है फैक्टराइज हो चुका है। और क्या लिख सकते हैं 24 को, 4 into 6, इस केस में भी हम बोलेंगे कि ये 24 जो है फैक्टराइज हो गया है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जैसे ये 24 नंबर है,
इस 24 को आप क्या लिख रहे हो, 2 × 12। तो इस 24 को जो आपने इसके फैक्टर्स 2 × 12 में ब्रेक किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसके जो भी यहाँ फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अभी यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर है बट 12 प्राइम नंबर नहीं है। 12 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो अगर आप इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर दो तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक हो जाएगा। चलिए, तो इसको, ये तो 2 है, ये प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही लिखिए। इस 12 को आप लिख सकते हो 2 × 6, लिख सकते हो ना। अभी भी ये 2 तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो चुका है बट ये 6 अभी प्राइम नंबर नहीं है। इसको और ब्रेक करो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब हम बोलेंगे कि इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। देखिए, इसके जो भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे वो सब प्राइम नंबर्स हैं। 24 को मैंने ऐसा ब्रेक किया है कि इसके जो यहाँ मल्टीप्लाई में जो नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने का 2 मेथड है, एक है ट्री मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। ट्री मेथड कैसे होता है? ट्री मेथड जैसे आप कोई नंबर 24 ले रहे हो, इसको आप सबसे पहले लिख सकते हो 2 और 12। 12 × 2 = 24 होता है, आप पहले इसको इसमें ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 प्राइम नंबर आ चुका है बट 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको फिर से 2 नंबर के फॉर्म में ब्रेक करो। इसको लिख सकते हो 2 और 6, 6 × 2 = 12। देन 6 को अभी और ब्रेक कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 × 3। तो इसको, इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए, इसके 2, 2, 2, 3। तो लिखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 = 2 × 2 × 2 × 3। ये जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दीजिए, यही होगा 24 के बराबर और यही 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। 24 को अगर आप डिवीजन मेथड के थ्रू करते हो तो सिर्फ आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे। किससे? प्राइम नंबर से। सबसे पहले आप सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर दैट इज 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 × 6 = 12। देन 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। हो गया। अब इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसको लिख लीजिए। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 3। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स ही हैं, 2, 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। तो चाहे आप ट्री मेथड से करिए या फिर आप डिवीजन मेथड से करिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। देखिए, 24 का ये हुआ और 24 का ये हुआ, सेम आ रहा है। अब इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। किसका 980 का डिवीजन मेथड से। ट्री मेथड हम नहीं प्रिफर करते, हम ये वाला मेथड प्रिफर करते हैं। तो चलिए इससे करते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ये नंबर 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग पढ़ चुके हो। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 × 4 = 8 कैरी आया, 1 बन गया 18, 2 × 9 = 18 एंड 0। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 0 है, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 कैरी आया, 1 बन गया 10, 2 × 5 = 10। अब इस नंबर के वंस प्लेस पे 5 है तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से। तो अब इसको 5 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा 5 × 4 = 20 कैरी आया, 4 बन गया 45, 5 × 9 = 45। 49 किससे डिवाइड होता है, 7 से। 7 × 7 = 49। देन 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 × 1 = 7। तो आप इसको 980 को क्या लिख सकते हो, 980 को लिख सकते हो 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ये रहे इसके प्राइम फैक्टर्स। आपने इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। सो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आया होगा। सो होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।